देश में लागू हिट एंड रन कानून का मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। रविवार दोपहर से टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए। इसके बाद पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ लग गई है। जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में वाहन चालक पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इससे ट्रांसपोर्टर्स में आक्रोश है। साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। उज्जैन में आज एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इससे पहले 2016 में सीएस के शाही स्नान के पहले दिन यहां 6 लाख श्रद्धालु आए थे। मंदसौर में सोमवार सुबह कार ट्रक में पीछे से घुस गई। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक रतलाम की तरफ जा रहा था। जानकारी के अनुसार परिवार बांसवाड़ा का रहने वाला है। नए साल 2024 की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश का मौसम बदला रहेगा। पहले दिन पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 4 जनवरी तक प्रदेश में बादल हल्की बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा, फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। नए विधायकों को पूरी जानकारी मिल सके इसके लिए 9 और 10 जनवरी को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 9 जनवरी को उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे और सदस्यों को मार्गदर्शन भी देंगे।